वाओ दीदी देखो कितनी सुंदर भगवान जी की मूर्ति है। वाओ ये तो सरस्वती माँ की मूर्ति है, कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ इसको ले लो मेरे लिए, रख दो गंदे हाथ मत लगाओ, रखो उधर ले लो मेरे लिए। इतना सामान है कहाँ रखेंगे, रखने की जगह भी होनी चाहिए ना। मेरे को तो गणेश जी की मूर्ति भी अच्छी लग रही है। वाओ और देखो उसमें क्या लिखा है, ट्रेंडिंग। पता है अगर कछुआ घर पर होता है ना तो बहुत शुभ होता है। इस कछुए को तो मैं लेकर ही जाऊंगी घर पर। कछुआ रखना बहुत शुभ माना जाता है, बहुत पैसे आते हैं कछुए रखने से। पैसे आते हैं, ले लो एक काम करो ये वाला भी ले लो, दोनों ले लो। लेकिन पैसे तभी आते हैं जब अपने पैसों से लिया हुआ होता है, वरना नहीं आते। अच्छा तो फिर मैं ले लूंगी। और ये गणपति बप्पा को देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, कछुए तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये देखो लेटे हुए हैं। हाँ यहाँ पे तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, सोच रही हूँ गुची के लिए कुछ ले लेती हूँ। चलो किसी बहाने तो पैसे खर्च कर ही रही है अपने, देखती हूँ मैं गुची के लिए कुछ। हाँ, हाँ देख कर आओ, गुची के लिए लेना है, मेरे लिए कुछ नहीं लेना। लेकिन सच में ये वाली मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है गणेश जी की, यही लेती हूँ मैं। क्या प्राइस है, 8,000 रुपए की? इतनी सी मूर्ति 8,000 रुपए की? हद होती है, लूटते हैं एयरपोर्ट में तो। मगर ये प्यारी तो लग रही है, कोई बात नहीं बाद में लेकर जाऊंगी। भगवान बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ये तो मोनाको जैसा लग रहा है, बिस्किट जैसा। भाभी जल्दी इधर आओ। हाँ क्या हुआ, देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। हाँ? ये तो बिस्किट की तरह है। हाँ ये देखो, ये जरूर मोनाको की कॉपी की गई है। और ये क्रैक्स की कॉपी की गई है, क्रैक्स भी एक बिस्किट होता है ना, उसकी कॉपी है ये। चलो चलो ये मैं सोच रही थी गुची के ले लूं, लेकिन वो तो फाड़ देगा इसको। मैं कुछ स्ट्रॉन्ग सा वो देखती हूँ। आप क्या लोगी, अरे ओवर एक्टिंग बंद करो, कुछ देखो गुची के लिए। गुची के लिए ये ले लेते हैं, इसका प्राइस क्या है? अच्छा गुची के लिए तो आप खुद ही पे करोगे, 700 रुपए का है। What? पर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं कोई टॉय लूंगी गुची के लिए, वरना ये बेकार है, मैं लेती हूँ। गुची के लिए तो 10,000 रुपए भी लगा दे, गुची से इतना प्यार जो करती है। कोई बात नहीं गुची के बारे में अभी अपने लिए कुछ ले लेती हूँ। क्या लूं वीडियो गेम्स, गुची तो खेलेगा नहीं वरना वो लेंगी ही नहीं। वाओ कितना प्यारा है, इसमें तो गुची जरूर बैठ जाएगा। हाँ और मैं भी बैठ जाऊंगी, कितना प्यारा टेडी है, बैठ के देखती हूँ। हाँ इसमें तो मैं बैठूंगी और बहुत मजा भी आएगा। एक काम करती हूँ इसी को लेती हूँ, बोलती हूँ दीदी को यही ले लें गुची के लिए। दीदी क्या कर रही हो, दीदी भाभी भाभी जल्दी इधर आओ, देखो कितना अच्छा बोर्ड है। और अब कुछ इरेज करना तो ऐसे दबा दो, इरेज हो जाता है। अरे मुझे तो गिफ्ट भी मिला था ये देखो गुची के लिए मैंने क्या ढूंढ निकाला है, ये देखो। ये और गुची के लिए? हाँ इसमें गुची बैठेगा खेलेगा और मस्त रहेगा, ये ले लो गुची के लिए। गुची कहाँ बैठता है ऐसी चीजों में, क्या बातें कर रही हो आप। बैठ जाता है कभी कभी जब उसका मन नहीं लगता, जब हम उसके अराउंड नहीं होते तो उसका मन नहीं लगता, तो वो हमारे साथ बैठने के लिए रेडी हो जाता है, इसलिए मैं कह रही हूँ ये ले लो। अरे क्या हो गया, एक सांस में सब बकवास कर दिया आपने, गुची इसमें नहीं बैठता। अरे बैठ जाएगा, इसका प्राइस तो देखो, आप तो गुची के लिए 10,000 भी वेस्ट। हाँ दीदी यही ले लो गुची के लिए, गुची अच्छे से बैठेगा इस पर। सही में बैठेगा? हाँ हाँ गुची को मजा आएगा इसमें। सॉफ्ट तो है, मैं उसका इमेजिन भी कर रही हूँ कैसे बैठेगा, कितना क्यूट लगेगा। ठीक है ठीक है, देखो आवाज भी आ रही है, जल्दी से ले लेते हैं। हाँ इसका बिलिंग कराओ, मैं और भी कुछ देख के आती गुची के लिए। आ जाओ जाओ। वाओ इसकी बिलिंग, अब तो मेरे मजे ही आ जाएंगे, इस पर तो मैं ही बैठूंगी, मुझे एक पैसा तक नहीं देना पड़ा। वाओ मजा ही आ गया, थैंक यू सो मच भगवान।